हमारे प्यारे प्यारे सर वाले भाई को साजिद ताहिर साहब, बड़ी शानदार होने वाली आ रही है वीडियो। वीडियो का जो चैनल का नाम है वंदे इंडिया न्यूज़ आई थिंक है। वीडियो को अगर अच्छे से लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो, फिर इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। नॉलेज है 14 साल से आरएसएस के प्रचार कर रहे, गांव गांव जाके हजारों गांव भारत में घूमे साइकिल में पैदल। जो बंदे की ग्रूमिंग ही आरएसएस में हुई है वो कहता है कि मैं सारा प्रोटोकॉल छोड़ के पाकिस्तान जा रहा हूं। आप ये समझ लीजिए उन्होंने कितनी अपनी अपनी जो पॉलिटिकल इक्विटी है उन्होंने टेबल पर रखी होगी। आपको पता है यही चीज करने के लिए अडवाणी जी बर्बाद हो गए थे जब उन्होंने मीनार ए पाकिस्तान में जो किताब में लिखा था। यहां पर अडवाणी जी का करियर लगभग खत्म हो गया, उनका जिन आराम कर दिया था लोगों ने इंडिया में, उसके बावजूद मोदी जी गए। ये देखिए ना, ये इट्स नॉट कि कोई और प्राइम मिनिस्टर चला गया, कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर चला गया पाकिस्तान, इट्स नॉट द सेम थिंग। नरेंद्र मोदी, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, हार्डलाइन आरएसएस बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, वो बंदा कहता है, नवाज शरीफ ने फोन करा, बोला जी मियां साहब मैं आ रहा हूं विदाउट एनी प्लान। बंदा लैंड वीजा पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं स्टोरी अंदर की पता। बंदा पहुंच गया घर पे एंड ही सेड उनके माँ जी के पैर वैर छुए, उनको जो भी गिफ्ट विफ्ट देनी थी दी, वहां से हाथ जोड़े वापस आ गए। ही हैज पुट हिज एंटायर करियर ऑन द टेबल फॉर गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान। इट इज नॉट अ सिंपल विजिट चीमा साहब, इसको सिंपल विजिट मत लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ। आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं पाकिस्तान का, आपका कोई हार्डलाइन मुस्लिम लीडर है रिलीजियस पार्टी का, जो कि थंपिंग मेजोरिटी से आ जाता है, जिस पर लोग अंधा विश्वास करते हैं, ठीक है, और एक दिन उसको नफ्ताली बेनेट कॉल करता है और कहता है कि जी आप आ जाओ, चाय पीनी है, तलवी आ जाओ, और वो कहता है ठीक है भाई तूने बुलाया मैं आ गया। आप समझ लो पाकिस्तान में आग लग जानी है। बट ही डिड दैट, और उनको जब उड़ी हुआ तो उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ गलत हो गया पर्सनली। ही टुक इट, मोदी जी टुक इट एज अ पर्सनल अफ्रंट कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ गलत कर दिया। ये बात पीछे क्या रही, एजेंसीज ने करा, नॉन स्टेट एक्टर्स ने करा, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब ने खुद बोला कि जी आप जाओ अटैक, मैं ये नहीं कह रहा, नवाज शरीफ साहब को पता भी नहीं होगा क्योंकि ये जो काम होते हैं खुफिया होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ही टुक इट लाइक वाजपेयी जी टुक इट इन केस ऑफ कारगिल। उन्होंने बोला मियां साहब मैं आ रहा हूं, वो देवानंद जी भी गए गाड़ी में, सब लोग गए वाघा से अटारी से गए वहां पे, और मीनार ए पाकिस्तान गए। क्यों गए मीनार ए पाकिस्तान चीमा साहब? क्योंकि उनके दिल में यह था कि पाकिस्तानियों की एक शिकायत है कि भारत ने हमें तस्लीम नहीं करा, भारत नहीं चाहता अखंड भारत, में भारत सॉलो करना चाहता है पाकिस्तान। ही वेंट टू मीनार ए पाकिस्तान, ही सेड मैं मीनार ए पाकिस्तान आऊंगा, मैं कहीं और जाऊं ना जाऊं आई विल गो टू मीनार ए पाकिस्तान, मैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहां पर खड़े होकर पाकिस्तानी आवाम को बताता हूं कि भारत तस्लीम करता है, आप सॉवरन कंट्री हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं मीनार ए पाकिस्तान में खड़ा होकर ये बात बोलने को तैयार हूं। उसमें कारगिल, देखिए ना इसके पीछे हिस्ट्री है, और हम लोग अक्सर कहते हैं लेट्स नॉट गो बैक टू द हिस्ट्री, बट दीज आर पीपल। आरएसएस जो संगठन है इट इज एन आइडियोलॉजिकल फोर्स, आरएसएस इज 99% आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजिकली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं दे थिंक इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, उनका ये बर्डन कह लीजिए, उनकी थिंकिंग कह लीजिए, आइडियोलॉजी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो चीमा साहब ये ओवरऑल मैं आपको इन शॉर्ट में कंक्लूजन में ये बताना चाहता हूँ चीमा साहब कि ऑफकोर्स थिंग्स शुड इम्प्रूव। कोई ये बोले कि चीजें ठीक नहीं होनी चाहिए गलत है, और हर चीज में चीजें इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन कौन इसका स्टेप लेगा दोबारा पीएम मोदी, क्योंकि 2024 में पीएम मोदी ने आना ही आना है। और अब ऐसा माहौल बन गया ना इंडिया में थिंकिंग का कि अगर कोई और आता है ना ही विल नॉट बी एबल टू टेक अ डिफरेंट पाथ। आप समझ रहे हैं, वो दैट इज बीन कास्ट इन स्टोन। अगर कोई इसको कर सकते हैं, जो इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं ना कि नहीं अब तो जब तक बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक पाकिस्तान के साथ नहीं कुछ हो सकता, मोदी जी ही कर सकते हैं, नोबडी एल्स, नोबडी हैज द पॉलिटिकल इक्विटी, कोई कर ही नहीं सकता भारत में, मोदी जी कर सकते हैं। अगर मोदी जी कल बोले कि हाँ ठीक है मुझे लगता है कि चीजें ठीक होनी चाहिए, पीपल विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज उनके तो उनकी फॉलोइंग ऐसी है कि जैसे जो मतलब क्या ही कहूं मैं उनके, मतलब ऐसे हाथ खड़े करते हैं तो 15-20 लाख लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं सामने, तो उनकी तो मैड फॉलोइंग है इंडिया में मोदी जी की। तो ये चीज है, पर होने चाहिए, चीजें ठीक होनी चाहिए चीमा साहब, ऑन रिकॉर्ड आई वुड लाइक टू से चीजें ठीक होनी चाहिए। एक आखिरी छोटा सा सवाल दोनों से करूंगा एंड दैट इज, पहले ताड़ साहब आपके पास, ताड़ साहब 75 साल हो गए
मैं चाहता हूं कि आप विजुलाइज करें दैट हाउ मिडल ईस्ट, यूरोप, यूएस, यूके, चाइना ये पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं 75 साल बाद, क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आज पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि हमने किसके ब्लॉक में जाना है। पाकिस्तान कहता है हमने न्यूट्रल रहना है, वो कहते हैं नहीं आप हमारे ब्लॉक में आए, वो कहता है पाकिस्तान कहता है अमेरिका कहता है तुम चाइनीज ब्लॉक में हो, तुम चाइनीज कहते हैं कि नहीं आप आंख मचोली खेल रहे हो। सो आप क्या देख रहे हैं आफ्टर 75 साल बाद, क्योंकि मैं पहले लोकल बात कर रहा था फिर रीजनल कर रहा, वो आखिरी एक इंटरनेशनल क्वेश्चन इसके हवाले से कर रहा हूँ। So keeping in mind the Muslim world, keeping in mind the Europe, US, China and UK, ये सारे ब्लॉक जेन में रख के आप क्या कह रहे हैं, जरा सम अप करें कि दुनिया आज पाकिस्तान को कैसे देख रही है और पाकिस्तान ये जो न्यूट्रलिटी की आज बात कर रहा है, how it is being received globally? देखिए मैं दो चार चीजें ऐड करके फिर इसको कंक्लूड करूंगा। मैं एक तो ये चाहूंगा कि आपके हर देखने वाला जो पाकिस्तान में बिलखसूस अगर इमरान खान या पीटीआई एक बहुत बड़ी सियासी पावर है उसके बारे में अपनी को ओपिनियन बिल्ड करना चाहता है तो मजबूत है तो आपको कोई नहीं खा सकता। इसीलिए हमारा जो पूरा फोकस है अभी इंडिया में सेल्फ डेवलपमेंट में, डिप्लोमेसी से लेकर मिलिट्री से लेकर एजुकेशन से लेकर वाटर से लेकर फूड से लेकर एनर्जी सिक्योरिटी की मैंने सबसे पहले जो बात करी थी चीमा साहब, अपने जो अपना जो फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं ना अपनी हिंदी में नींव कहते हैं, मुझे उर्दू का वर्ड नहीं पता, जो अपने फाउंडेशन है जैसे घर की फाउंडेशन होती है उसको मजबूत करना, अगर वो मजबूत हो गई घर की फाउंडेशन हमारी जो कि हो रही है, फिर हम उसके ऊपर घर के ऊपर आप 2 मंजिल बनाए, 3 मंजिल बनाए, 10 मंजिल बनाए, वो लोड ले लेती है। तो व्हाट ये हमारी फाउंडेशन है मुल्क की चीमा साहब। यस यूएस इज अ पार्टनर डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। डेफिनेटली यूरोप इज अ पार्टनर एंड इन मेनी वेज इवन चाइना इज अ पार्टनर, आपकी 125 अरब की ट्रेड हो रही है तो चाइना इज ऑल्सो पार्टनर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें यह पता है कि हमें अगर चाइना को, चाइना के साथ हमें अपनी सिचुएशन मैनेज करनी है, मैं लड़ना वर्ड यूज नहीं करूंगा, तो हमें चाइना की जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी जो कि यहां पे हो रही है। हमें पता है जादूगर की जान किस तोते में है, वी आर वेरी वेल अवेयर कि चाइना जो इतना अग्रेसिव है वो एग्रेशन आ कहां से रहा है, उसका सोर्स कहां से है। चाइना का सारा पैसा अमेरिका का है, 70% अमेरिका की कंपनी तो वहां पे मैन्युफैक्चर करवा रही हैं। वरना चीमा साहब मैं आपसे पूछता हूं, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, आप एक चाइनीज मोटरसाइकिल का ब्रांड बता दीजिए मुझे, आपको नाम याद हो तो, आपको नहीं आओगे नाम याद, और है दुनिया का सेकंड बेस्ट सेकंड लार्जेस्ट। आपको चाइनीज गाड़ियों का नाम नहीं पता होगा, एमजी जो है मॉरिस गैराजेस दैट इज बेसिकली ब्रिटिश व्हिच दे हैव बॉट, आपको नाम नहीं पता होगा। तो यही है चाइना की जो पूरी इकोनॉमी है दैट इज जनरली बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको हम वैसे सेटल कर रहे हैं चाइना को। तीसरी बात जो है यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी I2U2 की आपने बात करी, लेकिन मैं यूनाइटेड स्टेट्स के, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स लोग जो भी बोले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वर्ल्ड इज यूनिपोलर, आज भी एक ही सुपर पावर है वर्ल्ड में, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है लेकिन चाइना मिलिट्री सुपर पावर नहीं है, अमेरिका इज बोथ अ मिलिट्री सुपर पावर एंड एन इकोनॉमिक सुपर पावर, पहले ये बात हम क्लियर कर लें, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है चीन से लड़ने के लिए, लेकिन वो जरूरत भारत की भी है, वो हमारी भी जरूरत है ना। ये जो वॉर है अगेंस्ट चाइना, कंफ्लिक्ट है अगेंस्ट चाइना, ये सिर्फ अमेरिका की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भारत की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे ऊपर जब अटैक हुआ 1962 पे उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था, जो 67 में हमारी कंफ्लिक्ट हुई उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, जो वो लोग डोकलाम में आ गए उसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है, जो वो ईस्ट लद्दाख में आ गए गलवान में उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। तो कई लोग जो ये कहते हैं खासतौर से पाकिस्तान में कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, आई डोंट थिंक अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, ना भारत अपना इस्तेमाल होने देगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बोथ कंट्रीज का जो नीड्स और वांट्स है वो अलाइन हो रही है, इसलिए पार्टनरशिप बड़ी तेजी से चल रही है। तो जी दोस्तों वीडियो भी खत्म, मेरे सामने बड़ी शानदार बातें की, किस लय के साथ यार वो बोलते हैं, क्या रिदम है उनका। पहली बात ये है कि जब वो बोलते हैं तो फिर बोलते ही और लोग सुनते हैं, और वो हमारे टकलू साहब जो उनको सुन भी रहे हैं यार जस्ट जोक। तो जो मेन चीज मुझे इस पूरी वीडियो में अच्छी लगी बल्कि थी ये कि मेन पॉइंट कि जब मोदी साहब पाकिस्तान में आए बहुत बड़ा संदेश लेकर आया, बहुत बड़ी वाकई जिस तरह मैं साहब ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे का पूरा पॉलिटिकल कैरियर दांव पर लगा कर रखा,
क्यों उसकी वजह हाथ में होता है। उन्होंने कहा कि आप अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर कोई इस्लामी जमात है, इस्लामी उन्होंने बात की जिस तरह सिराजुल हक की TLP है, TLP वो तुसी TLP नहीं सिराजुल हक नहीं जमीत, वो जमीत इस्लामी है या साद जमात इस्लामी या साद रिजवी की, मैं मिसाल दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए, साद रिजवी की जमात है TLP तरीके लबैक पाकिस्तान। अगर उनको तिलबीब वो भी एग्जांपल ये दे रहे हैं तिलबीब यानी कि इसराइल की तरफ से कॉल है कि अला रिजवी साहब आओ हमारे साथ चाय पियो, तो रिजवी साहब बगैर सोचे समझे अगर चला जाए जो कूब है सच सच बताना उसका पाकिस्तान के अंदर अशर क्या होगा। अगर उसको बुलाया इसराइल का सरबराह नेतन्याहू कर लो, वो उधर चाय पीने चला जाए या उधर उनके साथ महफिल करने चला जाए, उसका पाकिस्तान के अंदर क्या असर होगा? कुछ भी नहीं होगा। है कुछ भी नहीं होगा तेरे पीटीवी चैनल जो है तेरा पीटीवी चैनल इंटरनेशनल तेरा मतलब है ना पीटीवी नेशनल चैनल है ना नेशनल, तेरे नेशनल के 3 शख्स गए हैं पीडीएम हुकूमत के दौर में नहीं वो यार सबूत के तौर पे गया यार उधर क्या बोलते हो कि वो यार तू क्यों बंदा क्या क्या बंदा है तू, मैं कहता हूँ कितने उनके मिले मिले हैं यार अगर तो TLP के जो यार वो ये सब कुछ मानते हैं वो जानते हैं जैसे आप जाहिर सी बात है पाकिस्तान में आवाम जो है अगेंस्ट वो गिरे बात पकड़ लेगी उसका कुछ भी नहीं होगा। और नहीं कू भाई तुम आया था मेरे मुद्दे की बात कर रहे दौरे से पाकिस्तान इंडिया आया था इतना खतरा बोल रहे की पाकिस्तान में अचानक आ गया अपना कैरियर दाव पर लगा के रहा भाई कौन सा कैरियर दाव पे लगा दिया जब एक प्राइम मिनिस्टर दावा दे रहे दूसरी एजेंसियां क्या करेंगी दौरे का कहा है इनवाइटेड नहीं था पहले उसी वक्त मुझे यार क्लियर करने दिया करो यार अपनी बात जान से सवाल है जी आप अपनी लोच ताल ले जी आप बात तो करनी आराम करो आपको पता ही नहीं की बात करने क्या ये कर क्या रहे जी जी सर जी शुरू हो जाए बक 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 कर देनी होती जब मैं कह रहा हूँ ये बंदा तुझे अपने ये कह रहा है मतलब दूसरी कंट्री का तू उसे घर बनवा रहा है तू कंट्री का पूरे मुल्क का घर बना रहा है सारा कुछ तेरे हाथ के अंदर है आर्मी भी तेरे साथ है आर्मी के बैठे हुए तू खुद इसको बुला लेता है मतलब सीधी बात कर नवाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ बैठा हुआ है तो वो दावा दे रहा मोदी साहब को आप मेरे नवासी की शादी है आपने आना है रिक्वेस्ट में कर रहा हूं अपील कर रहा हूं उनकी हजार बार ना करने के बाद वजूद में मिन्नत समाज कर रहा है नवाज शरीफ और उसने एक अच्छा तरी मतलब एक दोस्त होने के नाते वो आ गया पहले दावा तो नहीं दी हुई थी अचानक ही दौरा था ना भाई कोई खतरा नहीं था मेरी तरफ से मैं कह रहा हूं यार वो खतरा नहीं वो यार इंडिया के अंदर इंडिया के लोगों की आवाम का खतरा होना था क्योंकि वो पाकिस्तान आ रहा था बगैर बताया इंडियन आवाम को ये भी यार वो ऑफिशियल विजिट नहीं था यार इंडिया की आवाम को फिर क्यों खतरा होना है भाई मैं बताता हूं हमारे यहां से कोई जाके तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं समझ गया तेरी बात इंडिया की आवाम को भी हमारे बच्चे बताए बगैर उधर तो हमारे दुश्मन के पाकिस्तान की बातें करते रहते वो है ये तो आज आवाम को बताया बगैर इंडिया पाकिस्तान के दौरे पे चला ये बात है मुझे ये बताया जब मोदी इधर आया था कोई एक न्यूज मुझे दिखा दे मोदी को वापस गए हो किसी ने बुरा तरह से बोला हो यार मैं ये नहीं कह रहा बुरा तुम बोला लेकिन फिर
किसी ने इतराज नहीं किया, वो कंट्री का मालिक है। आवाम को बता के कभी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते। पीएम मोदी कंट्री का मालिक नहीं है, आवाम मालिक है। मतलब आवाम किसको बनाए थे? कंट्री नहीं बनाया ना उसको। जब वो कहता सारे मेरी उस वक्त की न्यूज हमने नहीं देखी, पता उस किसी ने क्रिटिसाइज किया होगा, अपोजिशन ने बिल्कुल क्रिटिसाइज किया होगा, लोगों ने भी किया। तो यार अपोजिशन का तो काम ही वो होता है, तू घर से तेज उठेगा ना तो फिर भी इतराज करे, तू तो लैट्रीन में दो मिनट बाद लगा दे तो फिर भी इतराज करेंगे। अपोजिशन का तो यही काम होता है, धागा खोल रहा है। अपोजिशन का काम ही क्या, पल्ले क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाना। राष्ट्रीय सर की बात करने का मकसद ये था कि हमने पाकिस्तान को, वाजपेयी की भी बात की, मतलब जब पीएम मोदी साहब आए, एक मिनट भाई मैं कोर लेट कर रहा था, जब पीएम मोदी साहब आए आने के बाद उड़ी का वाकया हो गया, इस तरीके से उनको बात की, वाजपेयी साहब आए और उन्होंने ऐलान किया मीनारे पाकिस्तान पर कि हम पाकिस्तान को एक इज्जत या जो सोवरेन कंट्री मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद कारगिल हो गया। मतलब उनका कहने का मकसद मेजर साहब का ये था कि हमने जब जब भी पाकिस्तान की तरफ मोहब्बत का, प्यार का हाथ बढ़ाया है तो पाकिस्तान ने हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपा, ये मैं रखता है। तो इसमें मुझे ये बता भी छूट कौन सा, और यही मैं कह रहा हूँ सच है ना, मतलब तो हकीकत बात है, इसमें सच है, यही वो सच बोल रहे हैं जी। रहमतुल्लाह मैं चुप करके अपनी मर्ज़ी पर बैठा हूं। जी 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 बोलो जी, आप बात नहीं करते, बोलते नहीं, मैं इस वजह से नहीं बोलता क्योंकि आपकी बात आपकी कंप्लीट यार, बात करो ना, आप क्या हो गया गिलेश पे औरतों की तरह निकालने शुरू कर देते हो यार, तेरे पास तो बात को सबूत है तो बात कर ना जल्दी कर, तेरे मुंह पे कपड़ा तो हमने दे दिया, तू बोल बोल अपने हिस्से की बात कर जो तेरे मन में खुल के बात कर। यार मैं ये कहने वाला हूँ कि उन्होंने दो मर्तबा हाथ बढ़ाया, हमारी तरफ से एक मर्तबा भी ऐसा नहीं किया गया, लेकिन हमारे जब यह वार ही किया गया, यानी कि मुझे ऐसे लगता है कि ये कोई बैरूनी साजिश है, दो जो इन दोनों कंट्रियों को इकट्ठा नहीं दिखना चाहती। वो बैरूनी साजिश है, आपके अंदर की ताकत वो है, अपना असला बेचने वाली, अपना डिफेंस का सामान बेचने वाली कंट्री है, जैसा कि अमेरिका है। अगर तो ये कंट्री आपस में मिलजुल के रहेगी तो उनका सामान कैसे बिकेगा, तो उनको बेचने के लिए कहीं ना कहीं तो इस तरह करना चाहिए, छेड़छाड़ तो करनी पड़ेगी भाई, सारा कुछ करने वाली तेरी एस्टैब्लिशमेंट। तो एस्टैब्लिशमेंट किसके कहने पर चल रही है? तो ना चल रही किसी के कहने पर, बात की बात है ना, रशिया की आर्मी है ना, किसी के कहने पर चलती है, इंडिया की है किसी के कहने पर चलती है, सऊदीया की किसी के कहने पर चलती है, ईरान है किसी के कहने पर चल रहा है, तो आप क्यों किसी के कहने पर चलते हो, क्यों चलते हो किसी के कहने पर, खुद की मर्जी करो ना। जो मुल्क को फायदा पहुंचाएगा, जो कंट्री को, आवाम को, जनता को फायदा पहुंचाएगा, आप वो काम करो, क्यों करते हो किसी के बिल्कुल भी। ये बात अगर आप किराए के डाकू बने हो, कातिल बने हो किराए के, जो आपको पैसे देता है चार बंदों को मरवा लेता है, फिर आपकी इज्जत मुकाम यही दुनिया में होगा ना, दुनिया तुझे दहशतगर्दी के नाम से बचाने की ना। अच्छा भाई मैंने आपको फैक्ट बताया है, ऐसे ही है भाई, मैंने नहीं आपको ये भी ठीक बात की आपने, कंक्लूड करा तो इंडिया ने हमारी तरफ वाकई काफी मर्तबा मोहब्बत का दर्स दिया है, हमें कदम बढ़ाया, लेकिन हमने उसके रिवर्स में कोई कभी उड़ी का वाकई करवा दिया, कभी कारगिल करवा दिया, कभी कुछ करवा दिया, कभी कुछ करवा दिया, ताकि कभी हम एक ही ना हो सके। मिलता नए वीडियो में, नाटक था, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।